देखिए गाइस, आज हम आए हैं, हमारे पास ही गांव के पास एक जंगल है, उसी जंगल के पास आए हैं। देखिए कितना सुंदर जंगल लग रहा है यहाँ पे। देखिए कुछ लोग खाना बना रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए गाइस, जंगल में यहाँ पर केक भी डला है, किसी ने काटा भी है। इस केक को देखिए ढंग से। तो गाइस हम लोग आए हैं, देखिए यहाँ पर तो खाना ही बन रहा है, बहुत सारे लोग हैं, मेला लगा हुआ है। देखिए गाइस कुछ लोग खाना बना रहे, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप इधर पर इस साइड में कुछ लोग खाना बना रहे हैं, तो आप देखते हैं अंदर, इसके अंदर जो भगवान बैठे हो उन्हीं को दिखाऊंगी। देखिए कितना प्यारा जंगल है, जंगल को दिखाऊंगी आपको। तो देखिए गाइस, मैंने भैंस को चराया है, तो अभी भैंस चर रही है, आपको दिखा रही हूँ उधर का नज़ारा, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लोग, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मैच खेलते हैं, तो ये मैच का ही बना है ग्राउंड, यहीं पे जानवर भी रहते हैं। ये जो जंगल में भगवान है सभी की हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। देखिए गाइस, आपको दिखाने वाली हूँ, इस झाड़ी के अंदर है भगवान, यहीं के। मैं भी नहीं आई, बहुत दिन से मैं नहीं आई हूँ, तो मुझे लग रहा है मैं भी यहाँ पर जाऊँ और भगवान के दर्शन कर लूँ, कि आपको भी दिखा दूँ कि आज भगवान यहाँ के कैसे हैं, क्योंकि ये वन के देवता हैं, तो आप लोगों को भी देखना चाहिए। ऐसे भगवान हैं जो किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुँचाते, तो इनका रास्ता देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा जंगल है ये आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान बहुत अच्छे हैं, वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, ना ही यहाँ के लोग जो पूजा करते हैं वो सोचते हैं। देखिए देखिए, तो ये जो कमल का टुकड़ा दिख रहा है, ये उल्टा कमल धरा है, क्योंकि यहाँ पर कोई सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की और ये स्थान सिद्ध हो गया है, और यहाँ पे सबकी इच्छा पूरी होती है। देखिएगा, ये जा रहा है पूजा करने और लिए है जो कुछ भी खाना बनाया हो इन लोगों ने, रोटी की गोल गोल गाकड़ी बनाई है, गकड़ियाँ हमारे तिक्का हो जा, यही से जा रहा हूँ। देखो देख लो, पूजा करने और हमें नारियल लिए, उल्टा कमर रखा है। इस बार मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, इस बार देख लीजिए, अगरबत्ती जलना है और ये जो ककड़ियाँ हैं जे पौधे हैं, देख लियो आप। बस इतनी पूजा होती है यहाँ पर, आपको अगरबत्ती जलाना है तो जला दो, ये पिन्नी है जो, इसको भी जला देंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी प्रदूषण नहीं है। एक पिन्नी उधर डली है, कोई डाल जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं इधर कचरा मत फैलाओ। देखो ये पीपल का पेड़ इतना बड़ा है, नीम का पेड़, पीपल का पेड़ नीम के पेड़ में परिवर्तन हो गया, ये क्या है, ये भगवान के, क्योंकि सच में ये भगवान मेरे घर की और मतलब सभी गांव वालों की रक्षा करते हैं। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ऐसा ब्लॉग बनाऊं, मैं अपने यहाँ का जंगल का बनाऊंगी, पर कभी आ नहीं पाती थी, मगर आज मुझे टाइम मिला और मैं आ गई। तो गाइस देखिए, अब मैंने भगवान को यहाँ पैर पड़ लिए, तो अब मैं जा रही वापस, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया में ऐसे भगवान नहीं मिले जो बिल्कुल सीधे शांत और सरल हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इल्लीगल काम नहीं हो सकता। भगवान सभी चींटी से लेके बड़े से बड़े प्राणी सभी की रक्षा करते हैं, इसीलिए आई थी मैं इधर। और भी जंगल है, अंदर भी जंगल है, लेकिन अब अंदर मैं नहीं जा रही हूँ, थोड़ी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे तालाब भी है, तो यहाँ का तालाब भी बिल्कुल पवित्र पानी है, क्योंकि इस तालाब में नालियों से नहीं जुड़ा हुआ है और जुड़ भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान जो हैं तो उनको भी पसंद नहीं है कि कोई गंदगी करे यहाँ पे, थूके कुछ भी करे, कुछ भी नहीं पसंद। तालाब बहुत ही बड़ा है, हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है, तो मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं आज फ़ोन का ट्राइपॉड भी नहीं लाई हूँ, हाथों से अपनी रील बना रही हूँ। तो देखिए तालाब अभी भरा नहीं है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो अब मुझे जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध साफ वातावरण है, पूरा जंगल बहुत ही प्यारा है। कभी आपको टाइम मिले तो प्लीज़ यहाँ पर घूमने जाइए। गाइस यहाँ नंगे पैर ही चलना पड़ता है, अपने शू उतार लिए, हाथ में ले लिए। आप देखो यहाँ पर दुर्गम रास्ता है, तो क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भगवान बैठे हैं वहाँ पर चप्पल पहनना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ भगवान चाहते हैं कि आप नंगे पैर ही आएं और चप्पल ना पहने, तो यहाँ पर आएं, यहाँ पर कोई थूक भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मना है। और भैया जा रहे हम अपने होते ही जहाँ पर बैठे हैं, कुछ
महिलाएं, तो वहाँ मेरी मम्मी भी बैठी है। देखिए कैसे कैसे कांटे हैं। तो गाइस फाइनली अब हम लोग जाने वाले हैं घर। यहाँ पे देखिए मेला लगा है, खाना बनाने वाला मेला। देखिए गाइस, तो हम जा रहे हैं उसी रास्ते से वापस, क्योंकि रास्ते तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन उसी रास्ते से जा रहे हैं। कुछ खेतों में ट्रैक्टर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर धान लगाना है, तो यहाँ पे खेतों में ट्रैक्टर चल रहा है। अब हम आ गए हैं रोड पर, जंगल थोड़ी दूर है, तो देखिए गाइस। देखिए गाइस यहाँ पर फिर केक मिल गया, इतना सारा केक है क्या ही बताऊँ। देखो कितना केक डला है रास्ता में। अब जा रही हूँ मैं घर साइड, क्योंकि धूप निकल आई है, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी।